आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में चर्चा करेंगे जो मानव इतिहास की क्रूरता को प्रदर्शित करती है। चीन में 1958 से 1962 तक लाखों गौरैया को मार दिया गया। चीन के शासक माओ ने चूहे, मच्छर, मक्खियाँ, कीट और गौरैया की सफाई, स्वास्थ्य और फसल बचाने के लिए मारने का आदेश दिया। वो मानते थे कि गौरैया उनकी फसलों को खा जाती है। गौरैया को मारने के लिए कई प्रकार के तरीके अपनाए गए। इनको गोली मार दी जाती थी, घोंसले तोड़े जाते थे, अंडे फोड़े जाते थे, उनका पीछा किया जाता था। आम लोग गौरैया को मारने का काम रोज किया करते थे। यह क्रूरता 2 वर्ष तक जारी रही। इसके बाद अचानक पूरे देश में कीटों का हमला हो गया, जिस कारण फसलें बर्बाद हो गई। उसके बाद देश में अकाल पड़ गया, जिससे वहां के शासकों को गौरैया की अहमियत पता चली। इसके बाद लाखों लोग अकाल में मर गए। जल्द ही कीटों को खाने के लिए रूस से गौरैया को मंगाया गया। आपने देखा कि किस प्रकार पक्षी हमारे पर्यावरण की खास कड़ी है, इसलिए हम सब को पक्षियों की रक्षा करना चाहिए।